पड़ रही है, लोग बेहाल हैं, लोगों की फ्रिज बैठी जा रही है, कूलर नहीं चल रहे हैं। अब कूलर फ्रिज की बात मत कीजिए, छत में लगा पंखा भी नखड़े दिखाता है, एटीट्यूड आ गया कि हम तो नहीं चलेंगे। 7-8 घंटा चलना बहुत बड़ी बात है। हम कल लाठे लेके चला रहे थे लेकिन तब वो चलने को राजी नहीं था। अब 12 पंखे जम के ऑडिटोरियम के पास हमको एक बार मिल गया। हमने कहा यहाँ क्या कर रहे हो, कोनो माता थे कहा आप था धूप देखने के लिए आए थे, मुख्यमंत्री जी को ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर आए थे और बड़ी बड़ी बातें करके चले गए थे कि ढेरों बिजली देंगे चुनाव जीतेंगे तो। लेकिन बाप कसम 12 पंखे जिले ग्रामीण क्षेत्र चले जाओ या बखत कोनो गाँव के क्षेत्र चले जाओ या शहर के कंपनी बाग चले जाओ, दिन भर में इतनी बिजली कटेगी कि चार्जिंग पे फोन नहीं लगा पाओगे। अभी मुद्दा रखा था कि हम ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली देंगे और शहरों में उससे अधिक देंगे। आज की भीषण गर्मी में यह हालात है कि गांव में मुश्किल से 10-11-8 घंटे से अधिक बिजली नहीं आ पाती है और शहरों में इस समय लगातार भारी कटौती हो रही है। अब कटौती की तो बात मत कीजिए, माथे जब पसीना आता है तो बगदा नाभि तक घुस जाता है, बताइए जरा पेट के अंदर चला जाता है, बिल्कुल बगदा एसी वाली फीलिंग आती है, इससे बढ़िया कौन उपाय होगा। और मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि जो आपने चुनावी जनसभा में एजेंडा रखा था आप उस वादे को पूरा करिए और जिस उम्मीद से उत्तर प्रदेश वासियों ने आप पर विश्वास किया और मुख्यमंत्री तो पुनः बनाए। इसमें तो अधिकारियों की भी थोड़ी लापरवाही है। नहीं, उन्होंने जो चुनावी सभा किया था इसमें अधिकारियों पर नकेल कसी जाए और इसमें अधिकारी, ये तो आशा है कि अधिकारी जो है यहाँ पर सरकार की पूर्ण रूप से बदनामी करने पर लगे उतारू हैं। तो क्या करेंगे आप? अब इसके लिए आज मैं ABN 24 के माध्यम से मैं अपनी बात उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ भिजवाना चाहता हूं। उसके बाद इस पर मुख्यमंत्री गंभीर हो और मेरी बातों को गंभीरता से लिया जाए। हम मुख्यमंत्री जी का जो कार्य भैया वो तो करवा करेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जी से भी निवेदन करेंगे कि साहब हो सके तो कार्रवाई कीजिएगा। 12 पंखी जन लाइट कटौती बहुत हो रही है, माथे से इतना पसीना छूता की कारता है, जो बेचारी भाभी और चाची दीदी लोग सब खाना बनाती होंगी घर में वो बेचारी परेशान हो जाती होंगी कि भिंडी की सब्जी बनाए तो पसीने में तर बितर हो जाओ, खिचड़ी बनाए तो वो तर बितर हो जाओ, बहुत ही दिक्कत है भैया। लड़कों को परफ्यूम ज्यादा खरीदना पड़ता है कि लो पूरा कपड़ा दिन भर में भीग जाता है, इतना पसीना छूता है, अब लाइटें कटौती की कारता तरह तरह की समस्या आ रही है। पर फिलहाल भैया इस प्रशासन क्या कर रही है देखा जाएगा। अब वो तो बगैर प्रशासन भी देखेगा मंत्री भी देखेगा लेकिन आप वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कापता आपके रिश्तेदार देखें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। शाम भैया सारी जुड़ी खबर से मिलेगी।